इंश्योरेंस का सबसे मेन पार्ट होता है बिल सेटलमेंट, यानी कि फाइनल सेटलमेंट जब आप क्लेम करने जाते हो, जो सेटलमेंट आपको आता है। तो मैं आपको ये वीडियो में ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी कि आपको ये पता चले कि कौन कौन से रीजंस के वजह से ये हो सकता है कि आपने जो क्लेम किया है वो क्लेम आप तक पहुँचा नहीं। मेडिकल एक्सपेंसिस जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए आजकल, हम सभी को पता है। मतलब एक बार आप अगर हॉस्पिटल चले गए और भगवान ना करे आपको कोई थोड़ी सी हाई लेवल वाली डिजीज़ हो गई है, तब तो आप समझ लीजिए कि आपकी आधी पॉकेट वहीं खाली होने वाली है। दिस इज़ वेयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम सबको पता है आजकल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हेल्थ इंश्योरेंस का। सबको हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी रखना चाहिए, बिकॉज हम नहीं जानते कि कब किसका तबीयत खराब हो जाए, कब किसकी लाइफ कैसे इफेक्ट हो जाए। तो मैं आपको ये बताऊंगी व्हेन वी टॉक अबाउट कैशलेस क्लेम्स, वो आपको कितनी आसानी से मिल सकता है और क्या क्या रीज़न है जिनके वजह से आपको कैशलेस क्लेम मिलने में एक रुकावट हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि जो मेडिकल पॉलिसीज़ होती है उस सब का एक सम एश्योर्ड होता है, तो वो सम एश्योर्ड कभी भी आपके जो मेडिकल बिल है उससे कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप प्लीज़ ये ध्यान रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो कंप्लीट पॉलिसी है वो मान लीजिए 20 लाख के लिए है और आपका जो बिल है वो 20 लाख से एक्सीड कर चुका है, देन यू कैनॉट क्लेम दिस पॉलिसी। जब ये सारी बातें आती है तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन टर्म निकल के आता है, दैट इज़ नेटवर्क हॉस्पिटल्स। नेटवर्क हॉस्पिटल्स हम उन हॉस्पिटल्स को कहते हैं जिनके साथ आपके इंश्योरर का टाई अप है, यानी कि अगर आप उस हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको क्लेम मिलने में इट विल बी कंपैरेटिवली वेरी मच इजियर बिकॉज ऑलरेडी टाइड अप है आपके इंश्योरर के साथ। सो नेक्स्ट चीज़ मैं ये बोलूँगी कि जो बहुत सारे पेशेंट्स ये गलती करते हैं वो आप बिल्कुल ना करें, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बोल रही हूँ ये चीज़ नहीं करने के लिए क्या, लेकिन आपको इस केस में अगर आपने बाई चांस ये चीज़ डिक्लेयर नहीं किया आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी क्लेम सेटलमेंट में। आप कभी भी अपने डिजीज़ को ना छुपाएं। मान लीजिए यू हैव अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, तो आप ये इंश्योरर बहुत सारे लोग ये करते हैं कि क्योंकि स्मोकिंग करने से जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम अमाउंट आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, तो जनरली वो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये भी छुपाते हैं इंश्योरर से कि दे डोंट स्मोक, विच इवेंचुअली इज़ नॉट अ फैक्ट। जब आप ये चीज़ सेटलमेंट करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वॉट जो भी आपका फैक्ट्स है वो आप इंश्योरर के सामने एकदम खुल के रखें, कोई भी चीज़ छुपाए ना, क्योंकि बाद में इतना लॉन्ग टेन्योर का पेमेंट करने के बाद अगर आपको क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो नेक्स्ट चीज़ मैं बताने जाऊंगी और ये मेरी आखिरी पॉइंट है ये पूरे वीडियो के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी को हमेशा रिन्यू करना आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ की पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि जो भी तबीयत ख़राब होती है या फिर एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर अननेचुरल सडन डेथ्स होते हैं या फिर जो भी रीजंस होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता के नहीं आती। सो प्लीज़ मेक श्योर आप हमेशा ये जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है आप या फिर आप रिमाइंडर या फिर कोई आप अगर आप उतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, आप ऐसी नेचर की हैं कि आपको सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, प्लीज़ मेक श्योर दैट आप किसी घर पे रिस्पॉन्सिबल इंसान को बोल के रखें या फिर आप इंश्योरर को ये प्लीज़ आप पहले अपने तरफ से ये समझा के रखें कि टू गिव अ प्रॉपर रिमाइंडर फॉर द रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसी के साथ मैं जल्द मिलूंगी आपसे, अलविदा लेती हूँ। मेरे वीडियोज़ को तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कोई भी फाइनेंशियल क्वेरी है तो हमारे फाइनेंशियल क्वेरी नंबर पर एक मिस कॉल करें, बस 0226181611 हमारा फाइनेंशियल क्वेरी नंबर है। एक मिस कॉल की बात है, बस हमारे मनी डॉक्टर्स आपको जल्द कॉल करेंगे। धन्यवाद, जल्द मिलूंगी आपसे।